उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज सुबह 7 बजे से हुए उपचुनाव की गिनती चल रही थी, जो आज दोपहर 11 बजे तक शांतिपूर्ण समाप्त हुई। बिलारी ब्लॉक के गांव जलालपुर गुलाम मुस्तफा 166 वोटों से विजयी हुई। वहीं ईसापुर की नुसरत जहां 886 वोटों से विजयी घोषित की गई। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी खातिजा को 386 वोटों से मात देकर नुसरत जहां ने प्रधानी पद पर कब्जा कर लिया है। बीटीसी का हाजीपुर गांव पंचायत में चुनाव होना था, जो आज सपत सिंह 135 वोटों से विजय हुए हैं। 5 फरवरी को मतगणना सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 12 बजे तक शांतिपूर्ण मतगणना समाप्त हुई। धारा 174 पूरे प्रदेश में लागू है। इसे देखते हुए प्रशासन ने सभी जीते हुए प्रत्याशी को जुलूस निकालने पर पाबंदी पहले से ही लगा दी थी, लेकिन कुछ जीते हुए प्रत्याशियों ने जुलूस निकालने की कोशिश की। फिर मौके पर अधिकारियों ने जुलूस निकालकर उन्हें शांतिपूर्वक उनके गांव में जाने की सलाह देकर वापस भेज दिया। मेरा नाम दलपत सिंह है। किस चीज़ का चुनाव जीते आप? बीटीसी क्षेत्र पंचायत, और मेरे गांव का पूरा सपोर्ट मेरे साथ रहा है। मेरे गांव में एक तरफा साथ रहे हैं मेरे, और मैं यही चाहता हूँ कि अपने गाँव का विकास करूँ जितना हो सकेगा सर। देखिए, तानाशाही फरौनियत और लोगों का ये सोचना कि डेमोक्रेसी उनके हाथ में है, लेकिन इस जीत ने ये एहसास दिला दिया कि डेमोक्रेसी जो है इंसानों के हाथ में होती है, आवाम के हाथों में होती है। और ये जीत हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी जीत है क्योंकि ये एक मामूली, एक बहुत शरीफ परिवार, एक तानाशाह परिवार से जंग लड़ रहा था, और उस जंग को जीत कर ये एहसास दिला दिया कि देश का प्रजातंत्र ही इस दुनिया का सबसे मजबूत प्रजातंत्र है। और हम इस जीत की मुबारकबाद सभी को देते हैं, खास तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को इसलिए देते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने ये चुनाव कराया, और जो इस आवाम ने जो जीत का ये स्वाद चखा है, इस जीत का स्वाद इस इलाके की गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करेगा, एकता सौहार्द को मजबूत करेगा। इसमें हमारी जो प्रधान साहिबा जलालपुर की जीती हैं, आप ये देखिए कि ये उपचुनाव जो होता है किसी की मौत के बाद होता है, ऊपर वाला किसी की ज़िंदगी में उपचुनाव ना लेकर आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीधा सीधा जिस तरीके से लोगों ने मदद लेकर एक चलते चलाते प्रधान को निरस्तीकरण कराने के बाद यहाँ जो दोबारा चुनाव हुआ है, वो दोबारा चुनाव में जीत हासिल कर ये महसूस करा दिया कि जनता के अधिकारों का हनन करने वालों की जीत कभी नहीं हो सकती। जनता के अधिकारों का इस्तेमाल अगर गलत ढंग से किया जाएगा तो जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। ये नज़ीर है उस बात की, ये जीत गवाही है इस बात की। ये जीत पूरी विधानसभा बिलारी को बहुत बहुत मुबारक हो, और ये आगाज़ हो चुका है, ऊपर वाले ने चाहा, ये आगाज़ होकर 2022 में हम अपनी सरकार बनाएंगे, और ऊपर वाले ने चाहा अखिलेश यादव साहब को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। विधानसभा में ईसापुर मुंडिया जो कुंदरकी ब्लॉक का गाँव है, उसमें भी बहुत शानदार जीत दर्ज की है, और मैं सबको पुनः मुबारकबाद देता हूँ। दोबारा से मैं सारे प्रशासनिक अधिकारियों को और जो जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उन सबको मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूँ कि शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव हुआ, संपन्न हुआ, निष्पक्ष हुआ, ईमानदारी से हुआ, सच्चाई के साथ हुआ, और जिस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराया, सब लोग इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया।